शासन के जीरो टॉलरेंस की नीति पर विभाग द्वारा किए गए कार्यों की गई पड़ताल। जालौन के भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट पर जांच के दिए गए आदेश। डीएम जालौन चांदनी सिंह ने 4 जांच की कमेटियां बनाकर दिए जांच के आदेश। पिछले 6 सालों में कराए गए कामों का ब्यौरा नहीं दे सके अधिकारी। बांध योजना, बकरी पालन, चेक डैम, तालाब योजना में पाई गई अनियमितताएं, जांच के बाद सामने आ सकता है करोड़ों रुपए के गबन का मामला। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी जांच के दिए गए आदेश। बताई है कुछ मामला सामने आया 2016 से जांच कराई, क्या पूरा मामला है, कितने योजनाओं की जांच हुई? जो भूमि संरक्षण विभाग की योजनाएं चल रही हैं, जैसे खेत तालाब योजना है, NMSA है, और एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की भी योजना है जिसमें बंदियाँ बनाते हैं, इन सभी योजनाओं में कुछ हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी। और हमने ये देखा है कि 2016 से जो भी काम स्वीकृत हुए हैं उसमें कोई भी सत्यापन नहीं हुआ है और कोई भी पुष्टि ठीक से नहीं की गई थी। तो इसी को देखने के लिए, सारी कार्यों की जांच कराने के लिए हमने अलग अलग टीम इकाईवार बनाई है, और 2016 से जो भी अभी तक काम हुए हैं, जो भी भुगतान हुए हैं, उनकी ये सभी टीमें इकाईवार जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगी। शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं का संज्ञान लेते हुए हमने ये किया है। और जो हाल ही में भूमि संरक्षण विभाग की बैठक थी जिसमें हमें नई योजनाओं का सत्यापन अनुमोदन करना था और पुरानी योजनाओं की पुष्टि करनी थी, उसमें यही संज्ञान में लाया गया कि उसमें कोई भी सत्यापन ठीक से मौके पर नहीं पाया गया है। तो सारे रिकॉर्ड्स को अभी हमने मंगाया है और जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।